एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद रोशन यादव। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट CUET 2023। एज आप सभी के क्लास 12th के एग्जाम हो गए हैं तो कॉलेजेस में एडमिशन के स्टार्ट हो गए डेट, आप लोगों ने फॉर्म्स भी भर दिए होंगे, बिकॉज CUET के लास्ट डेट जो रेगुलर से करना चाहते हैं उनकी 30th of March 2023 थी, तो जो कि 950 तक ख़त्म हो गई थी। तो CUET UG के रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गए, PG के गाइज 19 अप्रैल तक है। आप ध्यान से सुन लें, जो ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हैं उनको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना था उसके 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, बट 12th में जो है उनके फॉर्म 30th मार्च लास्ट डेट था। अब CUET की प्रिपरेशन में आप लग जाइए और आपके एग्ज़ाम्स मई में हो सकते हैं, आई थिंक अप्रैल के एंड से स्टार्ट भी हो सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा बहुत पैटर्न बताते हैं की कोशिश करेंगे और 5 से 3 अपडेट नए देंगे जिसमें आपको CUET की ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिकॉज इस चैनल पे हम ड्यू एडमिशन और उससे रिलेटेड चीज़ें लाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं CUET PG 2023 का सिलेबस, पैटर्न और सभी चीज़ें उसके बारे में। तो गाइस, CUET जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका PG का होगा कॉमन होता है और UG का भी, तो सिलेबस वगैरह आप चेक करके रखे उसकी और चीज़ें पता होनी चाहिए आपको गाइस। CUET PG का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, UG का कब से आप भर रहे हैं, तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी लेगी, ठीक है गाइस। 20th मार्च से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये तो PG का है ज़्यादातर गाइस, PG के बारे में यहाँ पर है। UG की बात करूँ तो मैं 750 उनकी फ़ीस होती है, और UG के जितने भी रजिस्ट्रेशन होने हैं उसमें ध्यान रखें कि आपके पैटर्न जो है पेपर का वो 3 है। मेरी जो और वीडियोस है UG के ऊपर आप वो लिंक से और सजेशन से देख सकते हैं गाइस। ये PG के बारे में थोड़ा ज़्यादा है, तो हम गाइस UG के बारे में देख लेंगे एक बार, UG का क्या है सीन। CUET UG, सो UG की अपडेट मैं आपको दे दूँ इसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हो गया इस, तो इन्फॉर्मेशन में UG के ये है कि एक्सटेंडिंग डेट जो है वो 11/3 पब्लिश आ रहा है, ये UG के बारे में इसमें आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट डेट्स इवेंट्स सारे इसमें दे रखे हैं आपके। ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन CUET के लिए बनाई गई है स्पेशली, और इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं गाइस। लाइक 3rd अप्रैल करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में 11:50 PM तक आप करा सकते हैं, एंड आपको UG के लिए दे रखा है सारा। NTA एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, उसके बारे में CUET का पैटर्न 2023 और 24 के लिए दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। द कॉमन यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा, एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, हेल्प डेस्क है, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारे जो जो इसमें आते हैं DU से लेकर के आपके अदर सारे हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में सारी नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। हमें पैटर्न समझना है, हम पैटर्न समझते हैं गाइस। तो पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि पेपर कितने में होंगे, 3 फॉर्म में होंगे, 3 स्लॉट्स में होंगे इस बार, और तीनों स्लॉट्स में आपको स्पेस मिलेगा और टाइम मिलेगा, और आपके इन्विजिलेटर होंगे, और वहाँ पे अगर टेक्निकल इशू आता तो उसको हेल्प करने के लिए भी होंगे। टाइमिंग बढ़ा दी गई है, सेंटर्स बढ़ा दिए गए इस बार, ये 3 नए अपडेट्स हैं। बाकी आप लोग पेपर अच्छे से दे सकते हैं, आपके अभी प्रिपरेशन का टाइम है गाइस। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, मेरी वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी जिसमें पैटर्न बताया हुआ है मैंने। पैटर्न में आपके 3 चीज़ें होंगी, देखिए फ़ी बता रखी है 750 जनरल की है, और पैटर्न आपको बता दूँ तो 3 होते हैं, ठीक है गाइस। डोमेन वेज जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज टेस्ट होगा गाइस। तो लैंग्वेज वाला जो होगा उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में देना है गाइस, और उसमें ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज वाले में एक हिंदी या इंग्लिश लेना है, 2 लोग हुए तो ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे गाइस। और एक और है कि इसमें सेकंड वाला जो है वो कॉमन टेस्ट है, जिसमें जनरल टेस्ट जिसमें कि आपके रीजनिंग मैथ साइंस सब आता है, और एक जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है सेकंड वाला। डोमेन स्पेसिफिक में गाइस आप लोगों को क्या करना है, डोमेन स्पेसिफिक में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपना पोल साइंस हिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप लेते हैं साइंस कॉमर्स का अकाउंट सीखो, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस। इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं देख सकते हैं आप, और एप्लीकेशन फॉर्म एग्ज़ाम डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्ज़ाम पैटर्न सब दे रखे हैं, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करके समझ सकते हैं, ठीक है। 30 मार्च तक इसकी लास्ट डेट थी, ओरिजिनल डेट सबमिट UG 2023 30 मार्च थी। 11 लाख कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सो नंबर अलॉट सीट्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है थ्रू सेक्शन IA IB सब दे रखे हैं उसमें। नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सिटीज़ 14 to 24 सिटीज़ में हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सिटी चॉइस रिड्यूस, सब्जेक्ट चॉइसेस जो है मैक्सिमम 10 फॉर्म 6 सब्जेक्ट आप भर सकते हैं,
So these were some new important updates. You guys can subscribe our channel for latest info, and we will provide many more guidance regarding CUET, UG, PG both. Thank you for watching. Like, share and subscribe.